तो हेलो फ्रेंड एल्गोरिथम चैनल, आज हम लोग फिर से एक माउस को रिपेयर करेंगे। तो इस माउस को रिपेयर करने के बाद जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था, कोई भी नया माउस ले आने के बाद आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो वो देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो माउस लगा हुआ है, इस माउस में डबल क्लिक हो रहा था, तो अभी पूरी तरह ठीक हो गया है। आप इस माउस का डबल क्लिक प्रॉब्लम सॉल्व करना वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई में चला जाइए, वहाँ पर जाकर उस लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज इस माउस को हम लोग रिपेयर करेंगे। तो इस माउस में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो माउस को कनेक्शन यहाँ पर कर दिया है, मगर यहाँ पर अभी तक माउस में जो रेड लाइट जलता है वो अभी तक नहीं जला है। तो आपके माउस में एलईडी का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर जहाँ पर रेड लाइट जलता है यहाँ पर आप एक लाइट देकर आप देख सकते हैं जहाँ आपका माउस पॉइंटर मूव हो रहा है कि नहीं। तो मेरे इस माउस में एलईडी लाइट नहीं जल रहा है, उसके साथ लेफ्ट और राइट दोनों क्लिक भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस माउस में। तो ऐसे केस में आपको जो माउस वो आपको खोल के देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इस माउस को ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस माउस में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम होता है, आपका जो केबल है वो केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, फॉल्ट होता है, तो वो कनेक्शन नहीं आता है, इसलिए आपके माउस काम नहीं करता है। और इसके अंदर कैपेसिटर भी रहता है, तो कैपेसिटर ख़राब होने से भी आपके ये प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके जो आईसी है, मतलब जो सेंसर है, वो सेंसर ख़राब होने से आपके नया माउस ले आना ही अच्छा होगा, क्योंकि इस आईसी को चेंज करने के बाद भी ज़्यादातर माउस ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक वायर का सोल्डरिंग निकल गया है, इसके वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। तो अभी वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है, आप नया कोई माउस ले आने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर फुला हुआ है कि नहीं, फटा हुआ कि नहीं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और आपका जो एलईडी लाइट है वो ठीक है क्या नहीं, आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर होगा तो आप ये सब अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिए। तो चलिए अभी इसको सोल्डरिंग करके और एक बार चेक कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग करने के टाइम मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इस वायर में सोल्डरिंग नहीं लग रहा था। तो आप सोल्डरिंग करने के टाइम अच्छी तरह से साफ करके फिर आप सोल्डरिंग करना। तो ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे, तो ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सब करने के बाद भी मेरे माउस पॉइंटर नहीं हिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो रेड लाइट है वो रेड लाइट जल रहा है, मगर माउस पॉइंटर भी नहीं हिल रहा है, राइट और लेफ्ट क्लिक भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने फिर से ये माउस को ले आए, लेके फिर से जावा जो जो सोल्डरिंग है सब सोल्डरिंग अच्छी तरह से चेक कर लिया है। जावा सोल्डरिंग है सारा जगह, मैंने फिर से एक बार सोल्डरिंग कर दिया है।
तो ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो दूसरा जो माउस है मेरे पास, तो वो भी मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद आप दोनों माउस को एक साथ कनेक्शन कर दीजिए, और दोनों माउस को एक साथ कनेक्शन करने के बाद जो माउस में आपका कनेक्शन हो रहा है, आप वो माउस से आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो माउस काम हो रहा है वो आप खोल दीजिए। तो देखिए, जो मेरे माउस यहाँ पर अच्छा है, वो माउस का कनेक्शन मैंने यहाँ पर खोल दिया है। अभी जो माउस में प्रॉब्लम हो रहा था, कोई भी काम नहीं हो रहा था, वही माउस में अभी कनेक्शन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रेड लाइट जल रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रीस्टार्ट करने के बाद मेरे माउस पूरी तरह अच्छी तरह से काम कर रहा है, मूविंग हो रहा है। तो एक बार राइट और लेफ्ट क्लिक भी हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर क्लिक हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बटन भी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माउस पूरी तरह ठीक हो गया है। तो फ्रेंड, ऐसा जैक वाला जो माउस है, नया कोई माउस ले आने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये माउस लगाने के बाद आप रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद आपका माउस काम करेगा। तो फ्रेंड, लास्ट में और एक बात, ज़्यादातर माउस ख़राब नहीं होता है, दो प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो पहला प्रॉब्लम जो डबल क्लिक का प्रॉब्लम है, तो उसका वीडियो आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चला जाइए, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, उस लिंक से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और एक प्रॉब्लम आपका जो केबल है, केबल के सोल्डरिंग टूट गया है, क्या केबल के कनेक्शन ठीक से नहीं आ रहा है, यही दो प्रॉब्लम ज़्यादातर माउस में होता है। तो आप नया कोई माउस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चला जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर अच्छा कंपनी का ब्लूटूथ माउस का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं उस माउस को। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन भी दबा दीजिए।